पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या पस्तीसाव्या मन की बात मध्ये पंचकुलामध्ये झालेल्या हिंसाचारावर नाराजी व्यक्त केली आहे आस्थेच्या नावावर हिंसा सहन केली जाणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय त्याचबरोबर राजकीय परंपरा आणि व्यक्तीवरील श्रद्धेवरून हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही व्यक्ती किंवा संघटनेला कायद्यासमोर झुकावंच लागेल असा इशारा पंतप्रधानांनी हिंसेखोरांना दिला आहे हिन्दुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती हैं तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है ये हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है अहिंसा परमोधर्म ये हम बचपन से सुनते आए हैं कहते आए हैं मैंने लाल किले से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है कानून हाथ में लेने वाले हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा और न ही कोई सरकार बर्दाश्त करेगी हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा कानून जवाबदेही तय करेगा और दोषितों को सजा देके रहेगा चोवीस तास रहा एक पाउलुढ़